भारत में जितने राज्य, जितने शहर, जितने गांव हैं, उतनी ही परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिन्हें देख तमाम लोग ताज्जुब करते हैं। कहीं लोग हंसते हैं और कहीं लोग नहीं मानते हैं। हिंदू परंपराओं पर हंसने वाले और ढकोसला कहने वाले लोग की सोच शायद ये वीडियो देखकर बदल जाएगी। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे का छुपा हुआ साइंस क्या है, जिसकी वजह से लोग इतने दिनों से इसे मानते आ रहे हैं। नंबर वन, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं, तो जानते हैं इसका वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है। जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है, एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँख, कान और दिमाग पर पड़ता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति को हमें लंबे समय तक याद रख सके। दूसरा तर्क यह कहता है कि हाथ मिलाने की वजह से अगर किसी के पास समझ लीजिए कोरोना है, तो अभी चल भी रहा है, तो वो आपके पास आ सकता है, तो बेहतर यही होगा कि आप हाथ जोड़कर नमस्ते करें। नंबर टू, पीपल की पूजा। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं, तो जानते हैं वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों के सम्मान बढ़े और कोई इसे ना काटे। पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है, तो इसलिए हम पीपल की पूजा करते हैं। नंबर थ्री, माथे पर कुमकुम या तिलक लगाना। महिलाएं एवं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं, तो जानते हैं वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है। आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठी या उंगली पर प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह से रक्त पहुंचती है, तो समझे। नंबर फोर, भोजन के शुरुआत में तीखे और अंत में मीठा क्यों खाते हैं। जब भी कोई धार्मिक या पारिवारिक अनुष्ठान होता है, तो भोजन की शुरुआत में तीखे से और अंत मीठे से होते हैं, तो जानते हैं वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाती है। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती, तो इसीलिए भोजन की शुरुआत में तीखे और अंत में मीठा खाया जाता है। नंबर फाइव, कान छिदवाने की परंपरा। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है, तो जानते हैं वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है। दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना यह है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलें। धन्यवाद।